जोगिंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत चौंतड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ बच्चों की सुविधा के लिए पंचवटी पार्क विकसित किया गया है। इस पंचवटी पार्क में जहां वरिष्ठ नागरिकों को घूमने के लिए पक्के रास्ते, बैठने के लिए बेंच इत्यादि की सुविधा मुहैया करवाई गई है, तो वहीं बच्चों के लिए झूले भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए खेल सुविधा की दृष्टि से जहां बैडमिंटन कोर्ट विकसित किया गया है, तो वहीं ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही पार्क में आने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध है। खंड विकास कार्यालय चौंतड़ा के परिसर के साथ विकसित किए गए इस पंचवटी पार्क के निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपए खर्च आए हैं। इसके अलावा इस पार्क को चार दीवारी से भी बंद किया गया है ताकि बेसहारा पशुओं इत्यादि से भी इसे सुरक्षित व साफ सुथरा बनाया जा सके। नमस्कार। विकासखंड कार्यालय चौंतड़ा के पास लगभग 18 बीघे की जमीन है और जब यहाँ पे आना हुआ तो बहुत सारी जमीन ऐसी थी जो बंजर पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, कीचड़ से लबरेज थी, पानी की कोई निकासी का प्रावधान नहीं था। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक प्लान तैयार किया गया कि क्यों ना कार्यालय परिसर को पहले तो चार दीवारी से बांधा जाए ताकि आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सके, और उसके बाद जो अंदर की ज़मीन है वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। तो जब प्लान बनाया गया तो ये सामने आया कि यहाँ इस क्षेत्र में एक अच्छे पार्क की कमी है। तो उस कमी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पे उस बंजर भूमि पे जो कीचड़ से सनी रहती थी वहाँ से पानी की प्रॉपर निकासी निकालकर उस क्षेत्र को समतल किया गया, और समतल करने के पश्चात वहाँ पे अलग अलग प्लॉट बनाकर वहाँ पे एक सुंदर पार्क का निर्माण किया गया जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी आयु वर्ग का ध्यान रखते हुए पार्क बनाया गया है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के लिए झूलों की सुविधा, बड़ों के लिए ओपन एयर जिम की सुविधा और बुज़ुर्गों के लिए बैठकर गपशप मारने की सुविधा का प्रावधान किया गया, और जिससे कार्यालय परिसर में सुंदरता भी बढ़ी, लोगों का आवागमन भी बढ़ा। और अब आज की डेट में, वर्तमान में, शाम के समय यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अच्छे से खेलते हैं, अपनी गतिविधियों में भाग लेते हैं। और ये सब कार्य मनरेगा तथा हमारे पास जो अन्य मदों में राशि पड़ी थी उनको एकत्रित करके इसमें प्रयोग किया गया और इस अभियान को सफल बनाया गया। इस प्रकार के अन्य और प्रोजेक्ट भी पंचायतों में चल रहे हैं जो आगे आने वाले समय में पूर्ण किए जाएंगे। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। स्कूल निर्देशक एवं प्रधानाचार्य अंशुल रांटा ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल में नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। बोर्ड एवं नॉन बोर्ड कक्षाओं में स्कूल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में स्कूल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जबकि स्कूल में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम व परिवहन सुविधा सहित इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस स्कूल को नई मैनेजमेंट कमेटी चला रही है। आज ही अपने बच्चों का दाखिला करवाएं माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन का काम जारी है। इसी स्कूल के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 की सूची में अपने नाम अंकित करवाए। हमारे पास स्कूल का अपना सॉफ्टवेयर है, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में है, हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा स्कूल में है।